ये देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पत्ता गोभी का बहुत ही चटपटा करारा नाश्ता। तो ये पत्ता गोभी का नाश्ता, ये हमारी पकौड़ियाँ हैं, आप इसे टिक्की पकौड़ी कुछ भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, चलिए हम दिखाते हैं आपको। उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पत्ता गोभी के पकौड़े बनाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लजीज किचन में। तो आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के पकोड़े। तो पत्ता गोभी के पकोड़े बनाने के लिए हमने एक पत्ता गोभी ले ली है, चार प्याज ले लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली है। तो पत्ता गोभी को हम बारीक काट लेंगे और प्याज को भी, हरी मिर्ची को भी, तब हम बनाएंगे इसके पकौड़े। देखिए हमने पत्ता गोभी को काट लिया है, इस तरह हमने इसको बारीक काटा है, इतना ही बारीक हमें चाहिए पत्ता गोभी। और ये हमने प्याज भी बारीक काट लिया है, हरी मिर्ची और हरा धनिया, हरा धनिया हमने थोड़ा ज़्यादा सा काटा है। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो हम इसमें अजवाइन डालेंगे इस तरह से, इसको हम थोड़ा मसल देंगे हाथ से। और ये हमारी हो गई अजवाइन। अब इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच पिसी हुई मिर्ची, लाल मिर्ची, आधा चम्मच धनिया पाउडर, कलर के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, नमक हम इसमें एक चम्मच डाल रहे हैं। नमक इसमें ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये पत्ता गोभी नमक डालने से पानी छोड़ती है और इसलिए थोड़ा हल्की भी हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन। तो ये हमने दो बड़ा चम्मच बेसन लिया है, ये देखिए। अब हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी में पानी भी, इसमें भी पानी होता है, प्याज में भी होता है, तो इसमें पानी नहीं डालेंगे पहले। इस तरह से पहले अच्छे से मसल लेंगे इसको हम। अगर हमें बेसन कम लगे तो हम इसमें और डाल सकते हैं, इसमें हम चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप चावल का आटा भी इसमें मिला सकते हैं, हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे चावल के आटे से बच्चे हमारे नहीं खाते हैं। तो इस तरह से हम इसको मसल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको मसल लिया है। और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, पानी इसमें छोड़ता है। तो इसमें हमने नमक डाल दिया था और पानी इसको हम 5 मिनट के लिए इस तरह रख देंगे, ये अभी और भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें हम हींग डालना भूल गए थे, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी हींग हो गई। टिक्की पकौड़ी कचौड़ी किसी भी चीज़ में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो हींग भी हमने डाल दी है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इस तरह से। देखिए हमारा ये डो तैयार हो गया है और ये अच्छे से अब सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसकी बना लेते हैं टिक्की पकौड़ी, आप जो भी बनाना चाहें। तो इस तरह से हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरह से हम इसको चम्मच से उठा के इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से हम दबाते हुए बना लेंगे। आप छोटी बड़ी कैसी भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छी लगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम टिक्की बना के रख लिए। अब इसको हम फ्राई करने के लिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो ये हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है, आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमारी बनी हुई रखी थी टिक्की। तो इस तरह से हम आराम से डालेंगे, देखते ही एक एक करके कढ़ाई में चली जाएंगी। और इसको हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे, फुल आंच पे नहीं पकाएंगे क्योंकि फुल आंच पे जल जाएंगी। तो इसको हम धीमी आंच पर ही पकाना है हमें। ये देखिए दोस्तों, हमको इस तरह से पकौड़ियों को पका लेना है। तो इसको हम धीमी आंच पर पका लिए हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारी पक गई हैं अच्छे से, कुरकुरी और करारी हो गई हैं। जी दोस्तों, ये हमारी पत्ता गोभी की पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं। देखिए देखने में लग रही हैं ना बिल्कुल मार्केट के जैसी, और ये बहुत ही करारी बनी है। तो देख चलिए हम दिखाते हैं आपको एक, ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुनिए, ये देखिए कितनी ये क्रंची और करारी लग रही हैं। ये देखिए आपको हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पत्ता गोभी की पकौड़ी बनके तैयार हुई है। जो बच्चे भी नहीं खाते हैं वो भी बच्चे इसके ये रेसिपी खाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा इस पर हम चाट मसाला इस तरह से ऐसे डाल देते हैं। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो लीजिए हमारी ये पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं।
तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी पत्ता गोभी की पकौड़ी बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से ये बन जाती है। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है, ये 10-5 मिनट में आराम से बन जाती है। पत्ता गोभी काटिए, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया डालिए, सारे मसाले, और इसको मिक्स करिए और बनाइए। तो दोस्तों, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है पत्ता गोभी की पकौड़ी, आप भी बनाइए, आप खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।